नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। सूबे में चल रही बीजेपी और भाजपा गठबंधन वाली योगी सरकार ने जनसभाओं में पार्टी के झंडे को लेकर दोनों दलों के बीच दरार खींच गई। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने जनसभा में बीजेपी का बैनर और पोस्टर को लगाने से इनकार किया है। कहा, बीजेपी अपनी जनसभा में नहीं लगाती भाजपा का बैनर और पोस्टर, तो मैं क्यों लगाऊं बीजेपी का बैनर और पोस्टर, मैं कोई बीजेपी का दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता नहीं। भाजपा का अध्यक्ष पहले हो, बीजेपी में मंत्री बाद में हो, मगर 2019 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ूं क्योंकि अभी कोई विकल्प नहीं है। मंत्री ने शिक्षा विभाग में 500 करोड़ के घोटालों का खुलासा किया है। बलिया के मुस्लिम बहुल इलाका बहेरी में अल्पसंख्यक की जनसभा में पहुंची योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में सिर्फ भाजपा का झंडा और बैनर लगा हुआ था, न तो बीजेपी का झंडा लगा मिला, ना ही बैनर में मंत्री के तस्वीर के सामने मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर। शायद इसीलिए कि कहीं मुस्लिम बीजेपी और योगी की तस्वीर देख न्याज न हो जाए। जरा सुनिए मंत्री ने क्या कहा। मदरसे कई हिंदुओं के भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उठा के देखिए। अगर कोई जेबा में लेकर के, झोरा में लेकर के स्कूल चला रहे हैं तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है ना। आज इसे नकल पे रोक लगी है, लगभग गए 12 लाख के ऊपर गए बच्चे छोड़ दिए ना। क्यों, कौन जिम्मेदार है? अध्यापक ना जिम्मेदार है, पूर्व की सरकारें जिम्मेदार है ना। तो आज वो बच्चे क्यों इस छोड़े, आज वो बच्चे जो विद्यालय छोड़े हैं, परीक्षा छोड़े हैं, उनके गार्जियन के ऊपर क्या बीतती होगी। सम्मेलन है ये, हम अपने नहीं डर नहीं लगता, हम नहीं किसी से डर नहीं लगता, ना ना हम इन हम मैं भारतीय समाज पार्टी का पहले तो अध्यक्ष हूँ, ठीक, और उसके बाद तब मैं मंत्री हूँ, उसके पहले नहीं। इसीलिए पहले आपने यहाँ भाजपा का ही झंडा लगाया। बिल्कुल, झंडा हम तो भाजपा का लगा के मीटिंग करते हैं। हम कहीं भी, आप अभी बनारस देखिए, एक भी झंडा नहीं लगा था भाजपा का। आप चंदौली देखिए, एक भी झंडा नहीं लगा है। हम अपने कार्यक्रम में एक भी झंडा नहीं लगाते हैं, इस नाते कि जब भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम होते हैं तो झंडा नहीं लगता मेरा, तो मैं क्यों लगाऊं? इतनी दूरी है, फिर एक साथ ना, 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 दूर है। दूरियां नहीं है, देखिए हम नहीं, अब इसका मतलब कि हम भाजपा का जो है दरी बिछाने काम करें, बिल्कुल रहेंगे। 2019 में मिल के चुनाव लड़ेंगे और 2019 के चुनाव के बाद पुनः देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। हाँ, अभी कोई विकल्प नहीं है।